हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंट टेनिस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट्स, अब तक हमने पोटेंशियोमीटर की सारी थ्योरी को लर्न किया। अब बेटे हम पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो है 3.22 क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ओके बेटा, इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ये उसका ड्राइवर सेल है और इसके साथ बेटा एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब तक हम क्या करते थे, यहाँ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे क्या है, इसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम का। यहाँ बेटा एक ड्राइवर सेल है, इस ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ है इस केस में वो बेटा दे रखा है 1.02 वोल्ट। इस प्राइमरी सेल के लिए बेटा जो ईएमएफ है वो 1.02 वोल्ट दे रखा है और इस प्राइमरी सेल के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है बेटा, मैं इसको एन मान ले रहा हूँ पॉइंट को, तो इस प्राइमरी सेल के लिए जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 67.3 सेंटीमीटर है। अब बोला है कि अगर हम इस प्राइमरी सेल की जगह पर दूसरा प्राइमरी सेल लें जिसका ईएमएफ ई है, तो बेटा बैलेंस लेंथ 82.3 सेंटीमीटर है। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको बहुत अच्छे से हमको समझना है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन से हमारी बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर होंगी। तो बेटा इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा था वैल्यू ऑफ ई बताओ, जो ई है वो कितना होगा। तो आपको देखो पता है दोनों सेल की ईएमएफ के हिसाब से लेंथ दे रखी है, तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसी को कंपैरिजन वाले तरीके से। तो हम जानते थे कि ई वन अपॉन ई टू बेटा किसके बराबर होता था, एल वन अपॉन एल टू। तो यहाँ पे ई वन की वैल्यू 1.02 और बेटा ई टू की वैल्यू है, यहाँ पे ई जो हमको फाइंड आउट करना है, एल वन है 67.3 एंड एल टू है 82.3। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, दोनों मल्टीपल में होंगे, 1.02 इंटू 82.3 अपॉन में 67.3। ओके बेटा, ये सॉल्व करने पर 1.25 वोल्ट आएगा। तो बेटा हमारा एक आंसर कवर हो चुका है। अब इसने बी पार्ट पूछा था, व्हाट वाज पर्पज फॉर हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम। बेटा जो हमने 600 किलो ओम यूज किया जो हाई रेजिस्टेंस, उसका बेटा हमसे पर्पज पूछा है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, यहां तो नल पॉइंट था, लेकिन जब भी हम नल पॉइंट से काफी दूर होते हैं तो बेटा यहां इस सर्किट में बहुत हाई करंट फ्लो होता है। इस हाई करंट की वजह से गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता है। गैल्वेनोमीटर क्या बेटा, बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, इसमें जरा भी एक्स्ट्रा करंट चला गया तुरंत ही खराब हो जाएगा। तो नल पॉइंट से जब हम दूर होते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट नल पॉइंट से दूर होता है, तो बेटा यहाँ प्राइमरी सेल के सर्किट में करंट की जो वैल्यू होगी वो हाई होगी, वो इतनी हाई होगी कि वो गैल्वेनेटर को डैमेज कर सकती है। तो बेटा उसको हम लो करना चाहेंगे जब हम नल पॉइंट से दूर है। तो जब नल पॉइंट से दूर होते हैं तो करंट हाई होता है, तो बेटा उसको लो करने का तरीका क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस यूज कर। इसलिए यहां पर हम एक हाई रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो मैं बता रहा हूं, यहां पर 600 किलो ओम इज यूज्ड टू सेव गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट, लेकिन कब, व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जो हम स्लाइड कर रहे हैं इसको जॉकी को, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज फार अवे फ्रॉम नल पॉइंट। ओके, तो समझ गए, 600 किलो ओम इज यूज टू सेव गैल्वेनोमीटर फ्रॉम हाई करंट व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज फार अवे फ्रॉम नल पॉइंट। ओके बेटा, अब बेटा इसका सी पार्ट था, सी पार्ट में पूछा था हमसे यहाँ पे, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। क्या बेटा इस हाई रेजिस्टेंस से बैलेंस लेंथ पर कोई फर्क पड़ता है, नो, क्योंकि बेटा जब हमको नल पॉइंट मिलता है ना उस केस में हमें पता है कि भाई करंट नहीं चलता, क्योंकि हमें पता है नल पॉइंट वाली कंडीशन में जो प्राइमरी सर्किट था और जो हमारा ड्राइवर सेल का सर्किट था, प्राइमरी सेल का सर्किट और ड्राइवर सेल का सर्किट, उन दोनों सर्किट में आपस में करंट फ्लो नहीं होता था। इट मीन्स ऊपर से करंट नीचे नहीं जा रहा होगा, नीचे से करंट ऊपर नहीं जा रहा होगा, है ना। और साथ साथ बेटा ये कैसे सर्किट में एक तरह से ओपन सर्किट टाइप से है ना, इसके साथ कोई ऐसे नहीं लगा, रेजिस्टेंस कैसे लगा रखा है हमने, इसको मत मानना कि ये इसके साथ क्लोज सर्किट में हो गया, ये तो बेटा इसके आगे लगा हुआ है। क्लोज सर्किट कब बनता था, इसके दोनों टर्मिनल को घिरते हुए लगता। ओके बेटा, तो हम यहाँ के हिसाब से अगर आप देखें तो
इससे कोई करंट आने वाला नहीं है नल पॉइंट पर। जब इससे सेल से कोई करंट नहीं निकलेगा तो बताओ सर्किट में कोई करंट होगा, इट मीन गैल्वेटर से कोई करंट जाएगा नहीं जब नल पॉइंट होगा। कब करंट जाता है गैल्वेटर से? नल पॉइंट से हम इधर उधर होते हैं, ज्यादा दूर होंगे ज्यादा करंट होगा, पास में होंगे थोड़ा करंट कम होगा। तो बेटा इसका जो कारण है यहाँ पर, जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई 600 किलो ओम से नल पॉइंट पर कोई फर्क पड़ेगा तो क्या है वो, नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि जब हम नल पॉइंट पर होते हैं तो गैल्वेटर से कोई करंट जाएगा नहीं। अब सोचो किसी डिवाइस से करंट नहीं जा रहा तो उसके होने से कोई फायदा है? कोई जरूरत नहीं है। बस उसका काम तो ये था जब हम नल पॉइंट से दूर थे तो इस गैल्वेमीटर को हाई करंट से बचाना, वरना ये खराब हो सकता था। ओके बेटा, तो हम कह सकते हैं नो इफेक्ट ऑन नल पॉइंट बाय 600 किलो। कारण क्या है इसका बेटा? कारण भी बता दो, एस नो करंट विल फ्लो थ्रू 600 किलो ओम एट नल पॉइंट। तो बेटा नल पॉइंट पर कोई करंट फ्लो होगा नहीं, इसलिए बैलेंस लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नल पॉइंट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। नल पॉइंट बेटा जहां था हमें अब भी वही मिलेगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा इज द बैलेंस पॉइंट। इसको नल पॉइंट बैलेंस पॉइंट बेटा एक ही चीज है, इसको समझना है ना। नेक्स्ट है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल? क्या ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बैलेंस पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा? तो बेटा सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो या अपना इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, नाउ पार्ट डी बेटा, पार्ट डी था इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटर रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल, के जो ड्राइवर सेल का इंटर रेजिस्टेंस है, क्या बेटा इससे बैलेंस पॉइंट पर कोई फर्क पड़ेगा? तो बेटा बैलेंस पॉइंट पर फर्क किससे पड़ता है? के से, के पर आई से, आई पर रेजिस्टेंसेस से। तो बेटा यहाँ पे अगर हम आई की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे जो आई होगा इस सर्किट में करंट, जैसे यहाँ से करंट निकलता है ना आई जो है, मैं उस आई की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे तो करंट जाने का मतलब ही नहीं है नल पॉइंट पर। मैं लिख भी दे रहा हूं एट नल पॉइंट। तो बेटा आई की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ ऑफ ड्राइवर अपॉन, बेटा यहां तो इंटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है स्मॉल आर, प्लस दूसरा कौन है? वायर है, आर ए बी है। अब सोचो जरा ध्यान से, अगर आर चेंज होता है, इफ आर चेंजेस, ठीक से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देन आई भी चेंज होगा, आई विल चेंज, ठीक है। दिस इंप्लाइज जो ग्रेडियंट है वो भी चेंज हो जाएगा, आई पर डिपेंड करता है वो, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल चेंज, हेंस बैलेंस पॉइंट विल चेंज, बैलेंस पॉइंट विल चेंज। तो बेटा समझ आया हमारे कि जब भी इंटर रेजिस्टेंस अगर बदला तो आई बदलेगा, आई बदलेगा तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बदलेगा, और पोटेंशियल ग्रेडियंट के बदलने से ही बेटा बैलेंस लेंथ चेंज होते। बैलेंस लेंथ को एक्चुअल में कौन कंट्रोल करता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके बेटा, नेक्स्ट आते हैं हम ई पार्ट पर। ई पार्ट था, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ ड्राइवर सेल ऑफ पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। बेटा देखो, प्राइमरी सेल का ईएमएफ क्या है? 1.02 वोल्ट है। ये बोल रहा है कि अगर ड्राइवर सेल का ईएमएफ 1 वोल्ट हो जाए, इफ ई ऑफ ड्राइवर इक्वल टू 1 वोल्ट, अब सोचो 1 वोल्ट होते ही प्राइमरी का तो बड़ा हो गया ईएमएफ, देन जो हमारा ई प्राइमरी आएगा वो बड़ा किससे हो जाएगा बेटा? ई ड्राइवर से, क्योंकि ई प्राइमरी बेटा कितना था? 1.02 वोल्ट था, और ड्राइवर को उसने बोला कि भाई ड्राइवर कितना कर दिया इसने? 1 वोल्ट कर दिया। सोचो अगर प्राइमरी का ईएमएफ बड़ा हो जाए तो नल पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा? हम जानते थे नल पॉइंट की कंडीशन दो थी, एक तो था सभी सेल जितने भी हमारे ड्राइवर या प्राइमरी सेल है सबका पॉजिटिव जीरो एंड पर होना चाहिए, दूसरा था जो ईएमएफ है ड्राइवर सेल का वो प्राइमरी से बड़ा होना चाहिए। सोचो जरा ध्यान से, इसको ही तो हम इस वायर पर कंपेयर कर रहे हैं। अगर सोचो यही छोटा होगा
मान लिया ये है हमारा 5 वोल्ट का, कुछ ड्रॉप थोड़ा बहुत अंदर भी हो गया, 4 वोल्ट मान लो भाई, 4 वोल्ट ड्रॉप हुआ, ये 10 वोल्ट का था। तो बताओ इस 10 वोल्ट को ये 4 वोल्ट कंपेयर कर पाए? कंपेयर तो हम इस वायर पे तो करते हैं कि भाई वायर के एक टुकड़े का जो वोल्टेज डिफरेंस है इसके बराबर। अब सोचो जब यही खुद बड़ा है तो कैसे बैलेंस कर पाएगा, तो पूरा खत्म होके भी ये फिर भी बड़ा बना रहेगा। तो बेटा हमें कभी नल पॉइंट मिलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि नल पॉइंट के लिए तो हम इस लेंथ पे तो इसको बैलेंस कर रहे हैं, इट मीन इस लेंथ के छोटे टुकड़े पर इसके बराबर हो पा रहा है, लेकिन अगर ये बड़ा हुआ तो कैसे बराबर हो पाएगा, उसके पहुंच ही नहीं पाएगा, ये हमेशा बड़ा बना रहेगा, तो हम नल पॉइंट बेटा हमको नहीं मिलने वाला। समझा सकते हैं? सो नल पॉइंट विल नॉट बी ऑब्टेन। ओके बेटा, अब इसका लास्ट पार्ट है हमारा एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या कह रहा है ये, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ। देखो आपको पता बेटा यहाँ पे कोई हाई रेजिस्टेंस नहीं है जिसको हम बदल के की वैल्यू को चेंज कर सके, यहाँ पे आपको दिख रहा है बस केवल इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो छोटे ईएमएफ के लिए सर्किट काम नहीं करेगा क्योंकि नल पॉइंट बिल्कुल ए के एकदम पास आएगा। हम कह सकते हैं नो फॉर स्मॉल ईएमएफ मेजरमेंट सर्किट विल नॉट वर्क। तो बेटा ये वर्क नहीं करेगा। अब इसने आगे बोला है कि कोई तरीका हो सकता है इसका छोटे ईएमएफ को मेजर करने का, बेटा हो सकता है। वो तरीका यही है कि अगर हम इस ड्राइवर सेल के साथ हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, तो हम कह सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग या मेजरिंग, फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल ईएमएफ वी हैव टू कनेक्ट अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। कहाँ पे बेटा? इन सीरीज किसके साथ? विद ड्राइवर सेल। तो बेटा ड्राइवर सेल के साथ सीरीज में हमें एक हाई रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तभी हम बहुत छोटे ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।